और देखिए बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को SC ST न्यायालय में पेश किया गया और यहां CIDCB की टीम ने विधायक को कोर्ट में पेश किया है। विधायक की जमानत याचिका भी खारिज हो गई। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक गिरिराज मलिंगा को SC ST कोर्ट में जब पेश किया गया CIDCB की टीम की ओर से और जमानत याचिका वहां से खारिज उनकी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सरेंडर किया था, जिसके बाद आज उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। CIDCB की टीम के द्वारा जब पेश किया गया न्यायालय के समक्ष, तो जमानत याचिका जो उनकी ओर से दायर की गई थी वो फिलहाल खारिज हो गई है और कोर्ट ने न्याय अभिरक्षा में भेजने की जो बात है वो भी कही है। तो धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को SC ST न्यायालय में जब पेश CIDCB की टीम ने किया, विधायक को कोर्ट में पेश जब किया गया, तो उनकी जमानत याचिका जो उनकी ओर से दायर की गई थी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और कोर्ट ने विधायक को अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विनोद तिवारी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गया। विनोद, बड़ी खबर आ रही है, SC ST कोर्ट में जब पेश किया गया विधायक गिरिराज मलिंगा को, तो कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है, अब न्यायिक अभिरक्षा में जाएंगे, क्या जानकारी इस पर अभी दे पाएंगे आप पूरी? देखिए यदि पूरे मामले की बात की, जिस प्रकार से सुबह से ही कानून विभाग का जो मानना था, जिस प्रकार जिन धाराओं में मामला दर्ज है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का मानना था, कानून विभाग का मानना था कि इसमें जमानत मिलना ना के बराबर ही पॉसिबल है, जिसमें ऐसा ही हुआ। न्यायालय ने फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि गिरह की गई थी विधायक अब्दुल सलीम की ओर से, लगातार गिरह की गई थी समर्थन में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के में, लेकिन उनकी गिरह के बाद भी न्यायालय ने फिलहाल उनके जिन धाराओं में मामला दर्ज है उन धाराओं को लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उसके बाद अब्दुल सही जो उनके अधिवक्ता है उनका भी ये कहना है कि वो जल्दी हाईकोर्ट में भी इसको लेकर अपने डेट लगाएंगे, जिससे कि उनको जल्दी से जल्द जमानत मिल सके। इसके अलावा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा इस बार फिर भी एक बार फिर कहा है कि उनको न्यायपालिका का पूरा भरोसा है, पूरे मामले में न्यायपालिका से उनको पूरी तरह लाभ मिलेगा। जी विनोद, ये कहते ही आ रहे हैं कि उन्हें जुडिशियरी पर भरोसा है, लेकिन जो जमानत याचिका उनकी खारिज हुई है और अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, कितने दिन का समय बताया जा रहा है जब न्यायिक अभिरक्षा में वो रहेंगी? देखिए फिलहाल जिस समय की बात करें, न्यायिक रक्षा में भेजा गया है और फिलहाल वो 14 दिन के लिए न्यायिक रक्षा में रहेंगे, लेकिन उनके जो अधिवक्ता उनका ये कहना है कि बीच इस दौरान इस दरमियान वे हाईकोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, जिस पर भी सुनवाई होगी। इस दरमियान हो सकता है कि उनको हाईकोर्ट से कुछ रियायत मिल जाए, लेकिन 14 दिन का न्यायिक रक्षा फिलहाल विधायक को भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, तो हाईकोर्ट में अभी विकल्प उनके पास बाकी है, लेकिन फिलहाल आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार अगले 14 दिन तक विधायक गिरिराज मलिंगा न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे, क्या मैं ठीक कह रही हूँ ये? जी बिल्कुल जयती, बिल्कुल सही बात है। 14 दिन तक न्याय छोड़ेंगे, 15 दिन वो SC कोर्ट द्वारा पेश होंगे, उससे पहले उनके जो अधिवक्ता है, उनके जो वकील हैं, वो हाईकोर्ट में वेल अप्रिंट जरूर लगा सकते हैं। जी विनोद, क्या जानकारी मिल पा रही है कि जब उनके वकील के द्वारा दलीलें पेश की गई न्यायालय के समक्ष, तो जब कहा गया कि जमानत यहां पर चाहिए, क्या क्या बातें उसमें की गई, और अब जो विकल्प आगे जिस तरीके से आपने बताया कि आगे कोर्ट में बच रहे हैं, क्या दलील अब दे सकते हैं? फिलहाल चलिए वापस लौटेंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,